हेलो एवरीवन, जब भी हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश मेरे पास एक नया कवर होता है जो जिससे हमारी वॉशिंग मशीन साफ सुथरी बनी रहती। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मशीन हमारी पुरानी होने लगती है तब तो उतना नहीं लगता है, लेकिन जब हम नई नई खरीदते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कवर होता है तो हम इसको अच्छे से ढक करके रखते हैं, हमारी मशीन साफ सुथरी बनी रहती। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, हमारा इतना बजट नहीं होता है जिसकी वजह से हम महंगा कवर खरीद पाए। तो इसके लिए मैं आज आपको 1 मिनट में बनाने वाली हूँ वॉशिंग मशीन का कवर, जिससे आपके ढेरों पैसे भी बचने वाले हैं और आपका कवर भी बनकर रेडी हो जाएगा। आपकी मशीन कभी पुरानी नहीं होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करने में कोई कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन है जिसको मैं हमेशा कवर में ढक करके रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो उसको मैं फटाक से निकाल देती हूँ और फिर से वापस से उसे चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कवर को धुला हुआ था इसलिए मैंने इसके ऊपर टॉवल डाल दी थी, नहीं तो जब कवर नहीं पड़ा होता है, जब हमारे पास कवर नहीं होता है या फिर कुछ ऊपर डालने को नहीं होता तो इस तरह से अंदर की तरफ भी धूल जम जाती है, क्योंकि कितना भी इस तरह से हम इसको बंद रहता है फिर भी इसके अंदर धूल चली जाती है। तो आज मैं बताऊंगी फटाफट से बनने वाला आपको बढ़िया सा कवर। तो ये देखिए जैसे कवर नहीं हम डालते तो पूरा एरिया नीचे का खुला रह जाता है, तो चलते फिरते हाथ लग जाता है या फिर ऐसे ही धूल तो लगती रहती है या कुछ छू जाता है तो हमारा वॉशिंग मशीन गंदा हो जाता है। तो चलिए मैं अपना टॉवल फोल्ड कर लेती हूँ और फटाफट से आपको कवर रेडी करके दिखा रही हूँ। आप लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं अब आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर आपको लेनी है कोई भी बेडशीट ले लेनी है, बेडशीट सिंगल बेड की लेनी है, डबल बेड की नहीं लेनी है क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिंगल बेडशीट लिया हुआ है और इस तरह से हम इसके ऊपर डालने वाले हैं। थोड़ा सा मैं खिसका लेती हूँ क्योंकि पीछे जगह नहीं है इसलिए अंदर अच्छे से जा नहीं रहा है। इस तरह से हम दोनों तरफ बराबर इस तरह से लटका देंगे, पूरी तरह से फिक्स कर देंगे। जितना कपड़ा इस तरफ को लटक रहा है बस उतना ही उस तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तब बढ़िया अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। अब बस इस तरह से हम ले लेंगे, दो सेफ्टी पिन लेना है मुझे और ये जहाँ से ये सिधाई है ये इसको पकड़ लेना है इस तरह से। बस इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हम सेफ्टी पिन लगाने वाले हैं। तो सेफ्टी पिन वाइट कपड़ा है तो अच्छे से ढूंढ नहीं पा रही थी मैं। तो ये देखिए इसके ऊपर हम ऐसे फिक्स कर देंगे सेफ्टी पिन को और इसी तरह से हमें उस तरफ भी फिक्स कर देना है। तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी पूरी तरह से कि किस तरह से ये पूरा बन करके रेडी हुआ है, क्योंकि नीचे का हिस्सा भी आपको दिख नहीं रहा है कि कहाँ तक कवर हुआ है। तो अभी मैं पूरी तरह से लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए पूरी तरह से बढ़िया बंद हो गया है और कहीं से भी खुला नहीं है और देखने में भी ख़राब नहीं लगता है। आप चाहो तो जो ऑल ओवर प्रिंट होती हैं बेडशीट उनको डाल सकते हो तो पूरे में प्रिंट बराबर आएगा। अगर इस तरह से डालना हो तो इस तरह से भी डाल सकते हो। तो ये देखिए पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा क्लियर दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से पूरी तरह से ये ढका हुआ है और कहीं से भी कहीं पर भी कोई सिकुड़न नहीं आई है। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे सिल करके रेडी किया गया है। तो इसको हम 1 मिनट में फटाफट से रेडी कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फटाक से हम निकालेंगे इनकी सेफ्टी पिन को और हम इसे वॉश कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया आइडिया, इसे एक बार ज़रूर आजमा करके देखना फटाफट से बनने वाला ये कवर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। और वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिले।